हम रिश्ते तो बना लेते हैं, लेकिन रिश्तों में कैसे रहना है ये हमें नहीं पता होता, ये हमें समझ नहीं आता। और नादानी में, अनजाने में हम कुछ गलती कर बैठते हैं। सो ये गलती आपसे ना हो, इसलिए लेकर आई हूँ ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिलेशनशिप में किस तरीके से रहना चाहिए ताकि उसमें प्यार मोहब्बत अपनापन बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए माय लिटिल फैमिली, जब आप किसी के साथ रिश्ते में आते हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में जानना चाहते हैं, जानना भी चाहिए। एंड जान पहचान कैसे होती है, एक दूसरे के क्लोज कोई इंसान कैसे आता है, वो आता है बातों से। एक रिश्ते में कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। जिन रिश्तों में दो लोग एक दूसरे से कम बातें करते हैं, बातें नहीं करते, वहां पर एक दूरी बनी रहती है, वो रिश्ते गहरे नहीं हो पाते। इसलिए जरूरी है कि आप अपने रिश्ते में कम्युनिकेशन बनाए रखें। दूसरा काम जो आपको करना है वो है साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। देखिए, एक तो होता है एवरी ही टाइम स्पेंड करना, मिल लिए कभी नहीं मिले, घूमने चले गए, बैठे हैं पार्क में, घंटों बातें कर रहे हैं, वो ठीक है। बट क्वालिटी टाइम का मतलब ये होता है जहां पर आप साथ में एक दूसरे को जान पाए, मतलब एंजॉय करें उस टाइम को। वो साथ में बैठकर बातें करना भी हो सकता है, वो कोई साथ में एक्टिविटी करना भी हो सकता है, किसी भी तरीके से कि आप बैठे हैं एंड वो आप दोनों का मी टाइम है। वो टाइम जरूर स्पेंड कीजिए अगर आप बहुत बिजी हैं, जो कि होंगे ही। ऐसे में आपको आपके पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं मिलता। तो मेक श्योर, ज्यादा नहीं तो वीक में एक दिन वो हो जहां पर आप उसके साथ शांति से बैठे, इंजॉय करें, फन करें, उसकी सुने, अपनी सुनाए, जहां पर मिलकर आप फील कर पाए कि हाँ कोई है मेरे लिए, जहां पर वो भी आपके बारे में सेम फील कर पाए। आजकल की भागदौड़ की दुनिया में क्या हो गया है, प्यार होता है, रिश्ता बहुत गहरा हम चाहते हैं बनाना, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि टाइम ही नहीं है, भागम भाग लगी हुई है जिंदगी में। तो इस भागम भाग जिंदगी से थोड़ा सा टाइम चुरा के अपने पार्टनर के लिए जरूर रखिए। तीसरी चीज है कि बिलीव रखिए अपने प्यार पर, अपने पार्टनर पर। बिलीव एक रिश्ते की नींव होती है, फाउंडेशन होती है। जिस रिश्ते में प्यार होता है, मोहब्बत होती है, अपनापन होता है, लेकिन विश्वास नहीं होता, वो रिश्ते टिक नहीं पाते। कभी कभी आप अपने पार्टनर पर शक करते हैं क्योंकि आप उसको खोने से डरते हैं, ये अक्सर होता है। इस डर को प्लीज खत्म कीजिए। जब तक आप अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं कर सकते, आप उसके तरफ से अपने लिए वो प्यार और रिस्पेक्ट नहीं पा सकते। एक रिश्ते में भरोसा बहुत जरूरी है। जब आप किसी के साथ पड़ गए हैं ना प्यार में, तो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए और भरोसा कीजिए ऊपर वाले पे, जिसने आपको उससे मिलाया है। अगर उसने मिलाया है ना, तो वो आपको एंड तक ले जाएगा, शादी आपकी करवा ही देगा। तो ऊपर वाले पे छोड़िए एंड अपने प्यार पे भरोसा करना सीखिए। अगर आप छोटी छोटी बातों पर उसको शक करेंगे, डाउट करेंगे, झगड़े करेंगे, तो ये जो रिश्ता है बहुत जल्दी खोखला खराब हो जाएगा। तो रिश्ते में भरोसा जरूर होना चाहिए। इसके साथ ही एक बहुत जरूरी चीज है, वो है एप्रिसिएशन। रिश्ते में अपने पार्टनर को ना एक दूसरे को एप्रिशिएट जरूर करना चाहिए छोटी छोटी चीजों के लिए। अब मान लीजिए आपके पार्टनर को अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस पर बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। एप्रिशिएट कीजिए इस छोटी सी अचीवमेंट को, तारीफ कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। जब जब आपका पार्टनर आपके लिए कुछ करता है, उसको एप्रिशिएट कीजिए। वो थोड़ा सा एफर्ट लगा के आपके लिए खाना लेकर आती है या फिर लेकर आता है, वो आपकी हेल्प करता है, तो उन चीजों को सपोर्ट करना सीखिए, उसकी तारीफ करना सीखिए। जब दो लोग एक दूसरे को एप्रिशिएट करते हैं, तो इससे एक अलग ही बॉन्ड बन जाता है जो बहुत गहरा होता है, रिश्ता खूबसूरत होता है। एंड हाँ, ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा कम प्यार करेंगे तो भी चलेगा, बट कम रिस्पेक्ट करेंगे तो नहीं चलेगा। रिस्पेक्ट डिजर्व करता है आपका पार्टनर। सो कुछ हो या ना हो, एक रिश्ते में अपने पार्टनर के लिए रिस्पेक्ट जरूर होनी चाहिए। रिश्तों में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए,
अपनी जो मर्यादा है अपने शब्दों की, अपनी बातों की, उसको बनाए रखे, उसको कभी क्रॉस ना करे। वो इंसान आपका है, आपका उसपे ऊपर हक है, बट इट डजंट मीन कि आप उसकी रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है। मैनी टाइम लोगों को लगता है यार मूड खराब था ना, हो जाता है, नहीं हो जाता। ये मूड खराब जब आपका अपने माँ बाप पर होता है तब माँ बाप को आप कभी अब्यूज नहीं करते, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, तो पार्टनर के साथ में क्यों होता है? जब आप इस चीज के बारे में सोचेंगे तो कभी अपने पार्टनर के साथ में भी मिसबिहेव या फिर उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, ना तो उसकी डिसरिस्पेक्ट करें और ना ही इस चीज को एक्सेप्ट करें। एक रिश्ते में डिसरिस्पेक्ट बिहेवियर कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए अगर आप चाहते हैं वो रिश्ता खूबसूरत बना रहे तो। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप एक रिश्ते में ध्यान रखते हैं, बनाकर रखते हैं, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है आपका रिश्ता बहुत प्यार से खूबसूरत बनता जाएगा, ऐसे निखरेगा जैसे एक फूल खिल जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो बने रहिए अपने रिश्तों में और हेल्प के लिए मेरे वीडियो के साथ। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।